बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी वीवर्स, ये देखें आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ सेवैयों की खीर की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए मैं देखती हूँ। इसमें एक लीटर मैंने दूध लिया है और हाफ मैंने शापर, ये जो होता है सेवैयों का बारीक बाजार वाली, ये लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक ऐसे कर लिया था। अब मैं इनको दूध में डालूँगी और इसको पकाएँगे हम सिर्फ 2-4 मिनट के लिए। जल्दी से गल जाती हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डालूंगी मैं इसमें मलाई। ये देखें, मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। मलाई डालूंगी इसमें, मलाई से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखें, सेवैयाँ हमारी ऐसे हमने इनको पकाना है। सेवैयों की खीर बनानी है और चीनी है हमने हसब ज़रूरत, हसब जायका डालनी है, ज़्यादा ना हो कम भी ना हो। तो ये देखें, चेक करके हम डाल सकते हैं और भी अगर डालनी हुई तो। और आजकल के दौर में चीनी ज़्यादा नहीं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा पिस्ता, थोड़े बादाम और 3 इलायची छोटी, इसको मैंने दाने निकाल लिए थे, ये डालेंगे हम इसमें। और हमारी सेवैयों की खीर बहुत ही लजीज बन के रेडी होगी। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या क्या डालना है। बस ये गाढ़ा होने के करीब है खीर हमारी, देखें जल्दी से झटपट बन जाती है। आँच हमने हल्की रखनी है। देखें खीर अभी हमारी रेडी नहीं हुई, गाढ़ी नहीं हुई, अभी पतली है। अभी हम 5 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। जब गाढ़ी होगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें अभी पतली है, अभी इसको हमने और पकाना है। शिवी बस ये देखें, अभी भी खीर हमारी गाढ़ी नहीं हुई। तो गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें डालना है 1 रस बारीक करके। देखें अगर घर में कोई मेहमान आ जाए जल्दी से, तो जल्दी से हमने झटपट ये वाली खीर सेवैयों की और रस की बना के उनके आगे पेश कर देनी है। तो मेहमान हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी आपने ये खीर कैसे बनाई है। तो व्यूवर्स अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें खीर हमारी गाढ़ी हो गई है, देखें ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। जी व्यूवर्स, चूल्हा बंद करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये क्योड़ा एसेंस, इसकी इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। जी व्यूवर्स, खीर हमारी तैयार है। तो अब हम इसको ये देखें ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट लगा के। तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारी ये सेवैयों की खीर कैसी बनी है। आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी, सब इसको बहुत पसंद करेंगे और ये झटपट से तैयार होने वाली डिश है। देर भी नहीं लगती, बस 10 मिनट में सेवैयों की खीर रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को, जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें खीर हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अच्छे व्यूअर्स, देखें मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी मज़े की लुक भी देखें इसकी, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है। अगर गर्मियों में बनाएं तो फ्रिज में रख के ठंडी करके खाएं, अगर सर्दियों में बनाएं तो गर्म गर्म ही मज़ा देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।